माता की जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉर्डन ब्लॉग। मैं आपका दोस्त रत्नेश और मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि आज हम जॉर्डन टू दिल्ली जाने वाले हैं। कितने लोग हैं आपको काउंटिंग करके बताता हूँ मैं, ठीक है? और आपको सबसे मिलवाते हैं। ये हमारी बस है और ये हमारे बस का ड्राइवर साहब, ये बैठे पड़े हैं। इसमें इंता मस्जिद है, मस्जिद भाई है, ठीक है? और ये हमारे ड्राइवर हैं, ये हमें लेके चलेंगे जॉर्डन टू दिल्ली। यहाँ से हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएंगे और एयरपोर्ट से हम वहाँ से जाएंगे, ठीक है? तो ये सामने देखते हैं हम, ये अमरीका दास, इनको पहले वीडियो मिले और इनको भी मिले, ये अरबी हमारा वही मान वाला, ठीक है? और ये बाकी लोग हैं, ये हमारी पूरी टीम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार, सबको इंडिया जा रहा है तो भारत माता की जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए ये भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, ये दोनों भाई जाहिद और साहिद, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा लग रहा है? कितने साल बाद जा रहे घर? याद तो आ रहा होगा? अभी याद नहीं आ रहा, मतलब नहीं, घर का याद आ रहा होगा ना, यहाँ का भी याद रहता है, मोहम्मद रहता है ये। और ये हमारे इधर देखिए, ये शंकर भाई, स्वतंत्र भाई इधर है, शंकर भाई और ये मुकेश भाई। शंकर भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सबसे ये मिलजुल कर रहना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है कहीं भी। यहाँ कितने दिन बाद जा रहे हैं? दो साल बाद में। बहुत तकलीफें झेली है ये, विदेश का पैसा ऐसे ही आसानी से नहीं आता भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये हमारे सत्येंद्र भाई, इनका वीडियो में डाल नहीं पाया था, क्या बोलता है? सलाम वालेकुम। सत्येंद्र भाई है ना? जयराम। ये हमारे बद्री भाई हैं, भाई साहब सलमान खान लग रहे हो एकदम, बद्री भाई सलमान खान लग रहे हो, क्या हाल चाल? कितने साल बाद जा रहे हैं घर? छः साल बाद में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए और भी आप आदमी लोग से मिलवाते हैं आपको। हाँ कासिम भाई से तो मिला है नहीं यार, कासिम भाई कैसे हैं? कितने साल बाद जा रहे हैं घर? 5 साल बाद। अंकित भाई कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, चलिए अच्छे से रहना है और फिर हम एयरपोर्ट पे सबके वीडियो बना के डालेंगे इसको। और आगे मिलते ही हमारे दोस्तों, अब मैं अनवर भाई से मिलाने वाला हूँ, ठीक है? उसके पहले मैं एक आदमी से मिलाने वाला हूँ, उसके आगे अनवर भाई बैठे हैं, चलिए मिलते हैं आगे उसे। सोनू भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक है? कैसा लग रहा है? बस घर जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या, बस बढ़िया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बस, एक साथ यार जब कोई अपने वतन लौटता है तो बहुत दिल में खुशी होता है एकदम, कुछ यादें भी रह जाती हैं यहाँ के, जो आदमी दिन रह जाता है तो। नाम आपका? नाम योगेंद्र भाई, पूरा नाम बताइए। योगेंद्र कुमार, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कितने रूम पे बैठ के? अच्छा 2 महीना आप रेस्ट किए थे, ये रेस्ट करके जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा कितने साल बाद जा रहे हैं? डेढ़ साल बाद में। अच्छा लग रहा है यहाँ? मिस सबको मिस करेंगे भाई। भाई साहब क्या हालचाल है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनका नाम जो नहीं जानता होगा यार, मैं इनका नाम बता दूं, इनका अनवर भाई है। और ये वही है बार बार रूम में, जो ईद के टाइम में भी वीडियो में डाला हो, जो आदमी नहीं देखा जाके देखो, क्या कॉमेडी करते हैं यार। ये देख लो यहाँ भी यहाँ कर रहे हैं, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक ठाक है? कितने साल बाद जा रहे हैं? One half. अच्छा अभी 1 हाफ जा रहे हैं। अच्छा इसके पहले छुट्टी पे गए थे क्या? Yes. तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पैसा वैसा तो कमाई लिए होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। खाकपति बन के आया था, लखपति जाने रहे। ये इसको एक लाख दे रहे पापा, 1 लाख दे। चलिए अरे हमारी टीम है पूरी, देखे सबके सारे कितने खुश हैं। और मुझे लगता है यार कि yes. हमारी कंपनी से, असील कंपनी से yes. एक बार में 45 आदमी का जाना कुछ पहली बात है, ठीक है? एक साथ में बहुत अच्छा लगता है यार, एक एक दो जाते तो समझ में आता है, 45 आदमी जा रहे हैं, पूरा आदमी एकदम से खुश है, हैप्पी है। आप जहाज अपना ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप जहाज अपना। हाँ
वो सामने बैठा हुआ भाई तो बता रहे कमाल के चक्कर में जा रहा है, बता इनको यार। ठीक है कृष्णा भाई कैसा लग रहा है, कितने साल बाद? दो साल बाद में। लक्ष्मण भाई? तीन साल बाद। फैमिली को क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत मिस कर रहे हैं। कैसे आकाश भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। क्या बोलना चाहेंगे फैमिली को? फैमिली को ये बोलना चाहिए जो जा रहे हैं अच्छा से रहे, और यहाँ जो जो अपना फ्रेंड है जो है सब फ्रेंड लोग को जो भी कोई लोग बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेगा, बहुत मिस करेंगे। तो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर बैठ के ये सारे फोटो दिखा रहा हूँ, देख लो ये देखो मेरे पीछे। ठीक है मैं खिड़की वाली सीट बैठा हूँ और ये मुझे हेडफोन मिला है, आप देख रहे हो, इसको मैं अंदर रख देता हूँ। और बाहर की तस्वीर देखो, ये देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है यार, क्या नज़ारा है बाहर का, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ की जड़ें हों इस तरीके से, मुझे मैं इस चीज़ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त। आखिर प्लेन उड़ते हुए हम लेके बहरीन पहुंच गई और ये लैंड कर रही है, लैंड कर गई। और सोनू कुमार, अर्जुन जी कैसा लग रहा है? मस्त। ठीक है अभी रिलैक्स फील हो रहा है, रिलैक्स। कैसा लग रहा है? अच्छा है। मजा आया? कहाँ तक पहुँच के बता दो। किए दावस जानो, किए दावस बहरीन हटे, किए तो दावस मारो। अभी हम लोग फ्लाइट से उतरे हैं, देखिए आप लोग सभी लोग हमारे भाई लोग बेचैन हैं। क्या बोले? अभी हमारे फ्लाइट से लैंडिंग हुआ है, अभी हमारे भाई लोग बहुत सारे बेचैनी में हैं, जल्दी उतारो जल्दी उतारो, ऐसा करके ऐसा नहीं होता है। शाम को कितने बजे फ्लाइट है? अभी 18:00 या 8:00 बजे 8:00 बजे 8:00 बजे कुछ में 8:10 ऐसा कुछ। मुकेश भाई, सामू भाई किधर है? सामू भाई सब लोग निकलने के लिए रेडी है एकदम। आओ सब आ रहे हैं ना, यहाँ से आते जाते सारी वीडियो बना के रिकॉर्ड करूँगा। देखो इधर बिना बैग के घूम रहे सब, इतने सुकवार हो गए, इतने मतलब इनके पैरों में जान नहीं है कि किसी से जा रहे, देख लो इनको। आइए भाई साहब, वो चल रहा है, आपको चलने की जरूरत नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, ऐसे आराम से पैर रखना, गिर जाओगे। ठीक है बाय बाय, आइए। फाइनली बहरीन
यही सब देखने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ और भाई टॉयलेट आकर मैं फ्रेश हुआ एकदम फ्रेश कर, ठीक है। और ये देख लो आप, ग्लास ही ग्लास है, ठीक है। कैप लगा कर मैं चलता हूँ अमेरिका के पास में, ठीक है। वहाँ अमेरिका बैठा हुआ है सीट पे, यहाँ से निकलता है साइड से, ठीक है। और ये डस्टबिन मैंने अपना डाल लिया और आगे चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ आप अमेरिका। अमेरिका अमेरिका में बैठा हुआ भाई, मैं तो फ्रेश हो गया पूरा एकदम, जोर्डन से चढ़ा बहरीन में और यहाँ से न्यू दिल्ली के लिए है 7:30 करीब। जाओ फ्रेश नहीं होना है, निकलो, मोबाइल चार्ज में लगा रखे हो, वहीं रहने दो, तुम जाओ। दोस्तों इसके बाद मैं चल रहा हूँ अपना, जो मेरी फ्लाइट है 8:15 पे है और मैं और अमेरिका यहाँ से दोनों चल रहे हैं फ्लाइट के लिए, ठीक है। और हम प्लेन में बैठ चुके हैं, हमारी प्लेन पूरी रफ्तार से एकदम से उड़ने को तैयार है, उड़ने को बेकाब हुए एकदम से कि मतलब अभी उड़ जाऊँ मैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हो एकदम पूरी रफ्तार में और ये उड़ गई, ठीक है। इसने अपना ज़मीन छोड़ दिया है और मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, पीछे साइड वाले कैमरे से और साइड वाले विंडो से ये आप देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। मतलब एक आप बोलोगे ऊपर से जो ज़मीन को छोड़ के ऊपर से देखने का आकाश से, तो ऐसे नज़ारा बहुत कम मिलता है। जब भी हम फ्लाइट करते हैं तो ऐसे ही नज़ारा मिलता है। और जो भी लोग इधर उधर गए होंगे फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा, उन लोगों को पता होगा कि कैसा फील होता है, क्योंकि जो नहीं गए उनको कैसे बता देंगे कैसा लगता है। आप ये समझ लीजिए कि किसी आप टावर पे खड़े हैं उससे कई गुना ऊपर ये उड़ रहा है और ये अंदर में देख रहे हो सबके सब मेरी साइड में सो रहे थे मेरे को भी नींद आ रहा, लेकिन क्या करूँ, मैं बाहर देख देख के टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको देखूँगा तो मुझे भी और नींद आएगी, ठीक है ना। फिलहाल जो भी है हमारा डिनर का टाइम हो गया है और लेके आइए डिनर। तो भाई मैंने तो डिनर पूरा खा लिया है, ठीक है, और खा के ये अब देख लो पूरी सफ़ा चट कर चुका हूँ पूरा एकदम से, देख लो सामने इसमें पानी था, ठीक है, इसमें बिस्किट था छोटा वाला, इसमें सैंडविच था, पूरा फिनिश। और देखता हूँ ये मूवी, क्योंकि इनको देखूँगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरे पड़ोसियों को देखूँगा तो मेरे को नींद बहुत आएगी, ठीक है। इस मूवी को मैं जोर्डन से चलते वक्त आधा मूवी देख चुका था मैं, मेरे पीछे देखो जाहिद भाई कैसे एकदम कर रहा, मुझे आ रही नींद, लेकिन मूवी देखूँगा तो नींद आएगी नहीं, ठीक है। ये सारे के सारे अपने सर पकड़ के बैठे हुए हैं एकदम नींद के मारे, क्या बोले। ये अब देख लो मैं चल रहा हूँ, ये मूवी लगा देखो कितनी अच्छी मूवी है यार। ये मेरा मूवी का एंड चल रहा था, ठीक है, मूवी का एंड चल रहा है। और अब तो भाई बहुत तेज़ नींद आ रही थी मेरे को, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को, इतनी तेज़ नींद है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके उसको जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आ रही नींद। ये अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं इनको साइड से, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि भाई। ये लैंड हो गई है अब दिल्ली के अंदर में बहरीन से उड़ने के बाद, ठीक है, ये लैंड कर चुकी है। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी दिल्ली उतर चुका हूँ फ्लाइट से और बाहर आया हूँ अपना सामान लेने के लिए, और ये ट्रॉली लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, यार देख सकते हो। अमरीका भाई आ जाओ आराम से और मैं ले कर चलता हूँ आगे मैं, ठीक है। मेरी ना 9 नंबर पे रखी हुई है, देखो ये 9 नंबर है, ये 9 नंबर, मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने लगेज कहाँ है, ठीक है। अरे सामू भाई हमारे, ठीक है, सामू भाई देखो कैसे गुस्से में लाल खड़े आ ले सामान ले लिए, घूम रहा है, चलिए आ गए हम लोग, सामान सामान चेक करें,
क्या? हाँ हो गया ना, सामान सामान चेक कर रहे हैं ना अमेरिका का। तो पहले क्यों नहीं गए? ये अभी ओला बुक करने के लिए चाहिए, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। अनवर भाई सामान सब हो गया आपका? अर्जुन भाई हो गया, सब रेडी हो गया, पहुंच गए अच्छे से? चलो अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है अपने वतन पहुंच के? मजे के लिए आए हम इधर। हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया से आ गए हैं। चलो दिल्ली पहुंच गए सब, ठीक है, यही है ये अमेरिका, हमारे मेहनत कर रहे हैं। हैं? गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया। आकाश भाई सब हो गया क्या? हो गया सब सामान रेडी हो गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? कैसा लग रहा है? अच्छा, ठीक है। सतेंद्र भाई ठीक ठाक है ना आप? इतना सारा सामान आपका ही है? ओके। उमर भाई, उमर भाई वो लोग आएंगे, आप बाहर वेट कीजिए तब तक, ठीक है? चलो तब तक हम दोस्त बाहर वेट करते हैं। हमारा जो है ना होटल वाले, उनको हमने कॉल किया था, तो आएंगे वो, हमें जो जगह बताया गया वहाँ चल के रुकते तब तक, ठीक है, मिलते बाहर। दोस्तों हम सारे लोग यहीं हैं अभी, यहाँ जो होटल वाला गाड़ी है वो अपना लेके गया, बोला घुमा के लेके आ रहा हूँ, और बाकी लोग हैं यहाँ पे जो जा रहे हैं अपने 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 होटल में, ठीक है। अनवर भाई कहाँ गए? है बड़ा जल्दी भाग रहे यार, देखो वो बुढ़ा आदमी आगे जाके जा रहा है, ठीक है। आप लोग कौन से हो? कौन से होटल? मुस्कान वाले से? मुस्कान वाले से हो? अच्छा, हाँ तो आएगा, छोटा छोटा गाड़ी लेके आएगा, चार बार में लेके जाएगा, क्या टेंशन है? गाजीपुर मऊ बनिया छपरा वाले इधर आ जाओ, हम बस कंडक्टर बन गए सारे लोग, हम एक साथ में, ठीक है। मुकेश भाई आइए आइए, ये सारे लोग एक साथ वाले हैं और यहाँ से सारे एक साथ निकलेंगे। यहाँ पहुँच चुके हम अपने गेस्ट हाउस पर, ठीक है, अपना सामान सारा हम उस गाड़ी से आए थे, है ना, देखे गाड़ी है डीएल 9CL 8468, ठीक है, और ये हम सबका सामान है, और चलते फिर अंदर में देखते हैं आपको। सुबह को कितने बजे ट्रेन होगी उसको हमें बताया जाएगा, ठीक है, क्या बोलो? और ये हमारे साथी है जो भी है, सब एक साथ में आए थे भाई। ये हमारी रूम है, ठीक है, इसमें हमें ये भी है क्या? इधर भी होगा, दोनों एक ही है, और लाइट नहीं जल रही, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बैठने में आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसको भी आ जाएगा। ओके, मेरे इधर करो, फास्ट करो। दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके शांति गेस्ट हाउस, यहाँ पे महिपालपुर में, और यहाँ मुलाकात हुई हमारे धर्मेंद्र जी से, बहुत अच्छे इंसान है। अभी ये हमारा बेड है, और जो लगेज वगैरह है हमने यहीं रखा है साइड में रूम में, तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद आज दोपहर को कितने बजे टिकट है ये हमें बताएंगे धर्मेंद्र जी, तब तक हम लोग रेस्ट करेंगे, फ्रेश होकर आराम करेंगे, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में कि यहाँ से सिवान के लिए, दिल को सिवान, तब तक ले जय हिंद जय भारत।